गुलाम हैदर के बच्चे बा इज्जत सम्मान से न्यायालय देगा। गुलाम हैदर की सारी प्रक्रियाएं वीजे की, बाकायदा मोनी मलिक जो गुलाम हैदर के वकील हैं, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके एम्बेसी में कर चुके हैं। और जो इसको भाभी भाभी कर रहे हैं ना, सुनो मेरी बात, कुछ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ सिमरन, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य वर्मा जी। सूर्य वर्मा जी, सभी लोगों का ये सवाल है, जनता कमेंट कर करके पूछ रही है कि आखिर गुलाम हैदर भारत कब आएगा। देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये, और बात कमेंट करना या पब्लिक को जानना या पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि गुलाम हैदर कब आ रहा है। गुलाम हैदर की सारी प्रक्रियाएं वीजे की, बाकायदा मोनी मलिक जो गुलाम हैदर के वकील हैं, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके एम्बेसी में कर चुके हैं, ठीक है जी। उनको आज से 4.5 महीने पहले उनको आना था, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, उनको 4.5 महीने पहले आना था भारत में, लेकिन जो उनकी वालदा, जो उनकी माँ, वो बहुत बीमार थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उनका वीज़े की पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं, इसी कारण नहीं आ पाया। फिर अभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया, गुलाम हैदर की माँ का, आपने पता है, इंतकाल हो गया, और वो सरोगा, जिसे हम हिंदी में सरोग्रास, जो एक देहांत जिसे हो गया है माता जी का, तो वो हो गया है। तो अब वो वीज़ा उनको मिलना था, फिर उनके साथ ऐसी घटना घट गई है, ठीक है। अब जो आगे की जो प्रक्रिया है, अब वो जो भी उन्होंने जो उनका अपना मुस्लिम समाज में जिस तरह से वो पूरा 125 दिन का जैसे करते हैं, वो उनका पूरा हो चुका है, और मोमिन मलिक साहब के पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, और वो जल्द से जल्द मोमिन मलिक साहब भी इस पर बयान देंगे, और आप देखना कुछ ही पल में, कुछ ही समय में गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत की जमीन पर आएगा, अपने बच्चों के लिए आएगा, एक पिता आएगा, जो एक पारिवारिक, एक इंसान एक संकट से अपने बच्चों के लिए गुजर रहा है, वो पिता आएगा। और मैं कहता हूँ ऐसे पिता को आना ही चाहिए भारत के अंदर, ऐसे पिता को हर हालत में आना चाहिए, अपने बच्चों के लिए आना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के पिता को कहूँगा, अपने बच्चों की लड़ाई, कहीं भी बच्चे जुदा हो जाए, कोई भी कंट्री उसको रोक नहीं सकती, इंसानियत है ये, इंसान है हम, जानवर नहीं है वो। गुलाम हैदर कोई जानवर नहीं है, इंसान है वो, किसी भी देश में जा सकता है कोई भी इंसान, अगर उसके बच्चे भी बच्चे जुदा हैं तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। और हम कहते हैं भारत के अंदर, भाई अगर उसके बच्चे भारत में हैं, सब कुछ पता है भारत में है, तो आ गुलाम हैदर, वीज़ा भी मिलेगा, सरकार दे रही है, दिया था उनको वीज़ा, पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उनकी माँ का देहांत हो गया, जो उनकी वालदा है, अब उसमें क्या, हम क्या कर सकते हैं जी। देखो, जो भी हुआ ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और जल्द से जल्द भारत भी आएगा, और न्यायालय बुला रहा है, संविधान बुला रहा है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, गुलाम हैदर के बच्चे बा इज्जत सम्मान से न्यायालय देगा, ये सूर्य वर्मा लाइव बोल रहा है, और सीमा हैदर को जेल जाना पड़ेगा और अपने वतन जाना पड़ेगा। लेकिन सर, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी जो जनता है सीमा हैदर को प्यारी भाभी कहकर सपोर्ट कर रही है, तो क्या लगता है कि क्या जब गुलाम हैदर भारत आ भी जाएंगे तो उनके बच्चे उन्हें उनकी कस्टडी दे दी भी जाएगी? ये कानून का काम है, न्यायालय का काम है, और जो इसको भाभी भाभी कर रहे हैं ना, सुनो मेरी बात, कुछ नहीं है, ठीक है। जिनके लिए वो प्यारी भाभी है ना, उनके परिवार में अगर ऐसी घटना किसी दिन घट गई तो वो भाभी भाभी करना छोड़ देंगे। सुनो, वो फिर करेंगे माँ माँ माँ, वो माँ को याद करेंगे। अभी जो ये कर रहे हैं ना कि भाभी है बहुत सुंदर है, जिस दिन इनके परिवार में कोई घटना घट गई ऐसी, कोई पिता से बच्चे जुदा हो गए, पता लग जाएगा। और सूर्य वर्मा कह रहा है, गुलाम हैदर, मैंने भारत सरकार को भी मैं कह रहा हूँ कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द वीज़ा दिया जाए, और उसके बच्चे भाई इज्जत सम्मान के साथ दिए जाएंगे। और मैं कहता हूँ गुलाम हैदर भारत आ, सूर्य वर्मा हमेशा तेरे साथ खड़ा है। जैसे कि आपने देखा, सूर्य वर्मा जी दावा कर रहे हैं पूरी तरह से कि जब गुलाम हैदर भारत आएगा तो उनके बच्चों की कस्टडी उन्हें सौंप दी जाएगी, न्यायालय द्वारा उन्हें पूर्णतः न्याय दिया जाएगा। आपका इस मामले पर क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।